शरद चंद्रिका देश के महाराजा चंद्रसेन और उनकी महारानी चूड़ामणि बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण बहुत चिंतित थे। बहुत पूजा पाठ यज्ञ आदि अनुष्ठान तथा ऋषि मुनियों की सेवा शुश्रूषा करने के बाद अंत में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। राज दंपति को पुत्र की चाहत थी, इसलिए पुत्री का लालन पालन उन्होंने पुत्र के समान किया और कालक्रम में पुत्र की कमी वे भूल गए। राजकुमारी का नाम मधुमित्रा रखा गया। यद्यपि राजमहल में बहुत दासियां थीं, किंतु मधुमित्रा प्राय सबसे वृद्धा दासी शांता के ही साथ रहती। जब मधुमित्रा 5 वर्ष की हुई तो उसे अपने साथ खेलने के लिए अपने आयु के साथी का अभाव महसूस होने लगा और इसलिए वह प्राय उदास रहने लगी। उसका मन बहलाने के लिए शांता उसे की उम्र के बराबर अपने पोते शिव के बारे में कुछ न कुछ बताती रहती। मधुमित्रा बड़े ध्यान से शिव के बारे में सुनती और उतने देर बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ती थी। एक दिन मधुमित्रा ने शांता से कहा, कल अपने साथ शिव को भी ले आना, धायमा हम दोनों एक साथ खेलेंगे। शांता मन में डर रही थी कि शिव के अंतःपुर में लाने से महाराज नाराज हो जाएंगे। फिर भी राजकुमारी की बात वह टाल नहीं सकी और दूसरे दिन अपने पोते शिव को अंतःपुर में साथ ले आई। इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। मधुमित्रा शिव से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके साथ दिन भर आनंद पूर्वक खेलती रही। मधुमित्रा को शिव के साथ बहुत प्रसन्न देखकर महाराजा और महारानी भी खुश दिखाई पड़े। अब वह प्रतिदिन राजकुमारी के साथ खेलने लगा। एक दिन महारानी ने शिव के साथ राजकुमारी को देखकर मन में सोचा कि अब यह बच्ची नहीं रही और अब इसके विवाह के बारे में महाराज को सोचना चाहिए। यह बात उन्होंने महाराज से कही। दूसरे दिन से शिव का आना बंद हो गया और राज दंपति राजकुमारी के विवाह के विषय में गंभीरता पूर्वक विचार करने लग गए। शिव का आना अचानक बंद होने से मधुमित्रा दुखी रहने लगी और जब दासियों से उसने अपने विवाह की चर्चा सुनी तो उसने शांता से कहा, धायमा मैं शिव के सिवा और किसी से विवाह नहीं करूंगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर शांता कांप उठी। उसे ज्ञात था कि राजकुमारी और शिव एक दूसरे से प्यार करते हैं, किंतु यह सपने में भी नहीं सोचा था कि राजकुमारी शिव के साथ विवाह के लिए हट करेंगी। यदि ऐसा हुआ तो उसके पोते के लिए अनर्थ हो जाएगा। शांता को समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह अपने किए पर पछताने लगी कि शिव को अंतःपुर में लाने से ही यह सब हुआ है। फिर भी कुछ सोच समझकर उसने राजकुमारी को सलाह देते हुए कहा, तब तुम एक काम करो बेटी, महाराज और महारानी से यह कह दो कि अभी तुम विवाह नहीं करोगी, इस बीच कोई उपाय सोचूंगी। राजकुमारी मधुमित्रा ने शांता की यह बात मान ली। अपनी दादी से यह समाचार सुनकर शिव के आनंद की सीमा न रही, लेकिन इस क्षणिक आनंद से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा, शांता ने पोते को समझाते हुए कहा। तुम्हें राजकुमारी के योग्य बनना होगा, धन और शक्ति अर्जित करनी होगी, इसके लिए बुद्धि बल का प्रयोग करना होगा। तुम्हें एक राजकुमार से भी अधिक योग्य बनना होगा, इतना योग्य कि महाराज स्वयं तुम्हें राजकुमारी से विवाह के लिए अपनी इच्छा प्रकट करें। यह सुनकर शिव गंभीर हो गया और दूसरे दिन सवेरे ही धन शक्ति और योग्यता प्राप्त करने का संकल्प लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई जो हाथ में एक बाजा लिए एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। शिव के पूछने पर अपना परिचय देते हुए उसने कहा, मैं राग हूँ, मैंने एक लंबे अरसे तक गुरु की सेवा की, उन्होंने मुझे यह बाजा दिया। इसे बजाने पर विकृत स्वर निकलते हैं जिसे सुनकर सिर दर्द हो जाता है। जो भी यह बाजा सुनता है मुझे मार पीट कर भगा देता है। यह बाजा मेरे लिए निरर्थक सिद्ध हुआ। धीरज रखो, बुद्धि का प्रयोग करके इससे लाभ उठा सकते हैं, मेरे साथ चलो। उसका हौसला बढ़ाते हुए शिव ने कहा और उसे अपने साथ लेकर वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अपना सिर गीली मिट्टी में डालकर शीर्षासन कर रहा था। जब उसने सिर बाहर निकाला तो शिव ने पूछा, तुम कौन हो और मिट्टी में सिर क्यों डाल रहे हो? मेरा नाम नेत्र है और पृथ्वी के गर्भ में छिपे धन को देख रहा हूँ, उसने कहा। शिव ने आश्चर्य से फिर पूछा,
कि कुछ दिखाई पड़ा? हाँ, मैंने साफ देखा कि लगभग 100 फुट की गहराई में अतुल सोना भरा पड़ा है, लेकिन मैं अकेला इसे खोद कर निकाल नहीं सकता। नेत ने दुखी होते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह बताओ कि यह शक्ति तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? उसे सांत्वना देते हुए शिव ने पूछा। एक मुनि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे, तभी उन पर एक बाघ झपटा। मैंने अपनी तलवार से बाघ को मार डाला। मुनि ने प्रसन्न होकर मुझे यह दिव्य दृष्टि प्रदान की। चिंता त्याग दो और मेरे साथ चलो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। शिव ने यह कहकर नेत्र को भी अपने साथ कर लिया। आगे जाने पर उन्हें एक शिकारी दिखाई पड़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना धनुष था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था। शिव ने उससे पूछा, बच्चों के इस खिलौना धनुष से तुम क्या करते हो? इसे तो चिड़िया भी नहीं मार सकते। यह बच्चों के खेलने का नहीं बल्कि अद्भुत शक्ति वाला दिव्य सचेतन धनुष है। बलवान से बलवान शत्रु को भी यह क्षण भर में धराशायी कर सकता है। बस केवल लक्ष्य पर संकल्प के साथ चित्त को एकाग्र करके देवी के ध्यान कर बाण छोड़ना पड़ता है। शिकारी ने धनुष की महिमा बताते हुए कहा, लेकिन तुम्हें यह दिव्यास्त्र कैसे प्राप्त हुआ और तुम्हारा नाम क्या है? शिव ने पूछा। शिकारी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम बल है। एक मांत्रिक धोखे से मासूम लोगों को फंसाकर दुष्ट शक्तियों की सिद्धि के लिए उनकी बलि चढ़ा देता था। मैंने उसे धोखा देकर देवी के चरणों में उसी की बलि चढ़ा दी। देवी ने प्रसन्न होकर यह दिव्य धनुष मुझे प्रदान किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उपयोग कैसे करूं। यही मैं सोच रहा हूं। चिंता न करो और मेरे साथ चलो। यह कहकर शिव ने बल को भी अपने साथ ले लिया। अब शिव राग नेत्र और बल चारों आगे बढ़े। थोड़ी दूर और जाने पर उन्हें कठोर कर नाम का एक नरभक्षी राक्षस मिला। वे उस मार्ग से जाने वाले मनुष्यों को निगल जाता था। शिव और उसके साथियों को देखकर वे खुशी से चीख पड़ा और उनकी ओर लपका। शिव ने झट राग से बाजा ले लिया और जोर जोर से बजाने लगा। उसकी कण कटु आवाज के कारण राक्षस का दर्द से सिर फटने लगा।